Good morning, all of you. Welcome again. Yes, revision time. Revision time में आज हम लेटर को लेते हैं, लेटर एंड नोटिस, ठीक है। इनको फिर से हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और आई होप आपने इनको याद कर लिया होगा। यू मस्ट हैव लर्नड मेमोराइज्ड ऑल द सिलेबस अप टू नाउ आई थिंक। लेटर पेज नंबर 99, इसको देखते हैं। लेटर आपको राइट करना है एडिटर को, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर है, अखबार है, उसका एडिटर को आपको लेटर टाइप करना है। अबाउट किसके बारे में? इन एडिक्वेट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में पानी की जो सप्लाई, पानी जो आता है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं आता, कम आता है। तो आपको जैसा बताया था, टॉप पर आपको लिखना है अपना एड्रेस, उसके नीचे लिखना है आपको जिसको लेटर लिख रहे हैं, टू होम यू आर एड्रेसिंग द लेटर, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली जयपुर, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद सर, ठीक है सर, फिर सब्जेक्ट। वैसे मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट सर से बिफोर आता है और उसके बाद सर आता है, मतलब सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के बाद आया करता है, लेकिन यहाँ इन्होंने उलट कर रखा है, जैसा कर रखा है आपकी बुक में इसके अकॉर्डिंग कर। सब्जेक्ट रिगार्डिंग इनक्वेट वाटर सप्लाई, अक्सर क्या होता है, ऑफन द टॉपिक ऑफ द लेटर इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन में होता है, वहीं से उस टॉपिक को निकालें। मेन जो की पॉइंट है इस पर लेटर लिखाया जा रहा है, इस पर लेटर एड्रेस किया जा रहा है, बस वहीं से उसको लेकर आप क्या लगा दें, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग इन एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इसके नीचे बॉडी ऑफ लेटर आता है। अब ये कहता है थ्रू द एस्टीम्ड, एस्टीम्ड रेस्पेक्टेड, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके रेस्पेक्टेड, आपका जो अच्छा कॉलम है अखबार का हिंदुस्तान टाइम्स का, उस कॉलम में, उस कॉलम के, उस न्यूज पेपर के एक कॉलम में, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द म्युनिसिपल ऑथोरिटीज, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है आपका ध्यान आकर्षित करना, म्युनिसिपल ऑथोरिटीज का ध्यान आकर्षित करना मैं चाहता हूं टूवर्ड्स द इनएक्टेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, किस और हमारे मोहल्ले में, हमारी लोकेलिटी में वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इट इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, वास्तव में ये बहुत ज्यादा अशुभ है, सॉरी अनफॉर्चुनेट मतलब अच्छा नहीं है, अनलक्की है, दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज रादर अनकंसर्न्ड अबाउट द प्रोविजन ऑफ, अनकंसर्न्ड जिसकी चिंता ना हो, जिसकी फिक्र ना हो, यदि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको बिल्कुल भी हमारी लोकेलिटी की चिंता नहीं है, अनकंसर्न्ड है, उसे फिक्र नहीं है अबाउट द प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज, हमारी जो सिविक, जो लोगों की जो एमिनिटीज हैं, जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं, जो मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये अवश्य, इनको लेकर वो लापरवाह हो रही है, नेग्लिजेंस हो रही है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या कहीं की भी हो सकती, टू द पब्लिक इन अवर एरिया, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से हमारे एरिया में इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की चीज देखने में आ रही है, वाटर सप्लाई गेट डिसकंटिन्यूड, हमारे लोकेलिटी में वाटर सप्लाई क्या हो गई है, डिसकंटिन्यूड हो गई, ठीक है ना, जब तक पानी आ रहा था वैसा नहीं आ रहा है, टू पीक आवर्स, जो पीक आवर्स होते हैं, ठीक है, इन द मॉर्निंग के टाइम में पीक आवर्स होते हैं, हर जगह पानी आता है, सप्लाई होती है, सभी कुछ लाइट वाइट भी होती है, उस टाइम प्रॉब्लम आ रही है हमारी लोकेलिटी में, व्हेन एवरीवन हैज गॉट टू गेट अवे फॉर द, जब हर इंसान कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार होता है, उस टाइम वो पीक आवर्स, द
तब पानी नहीं आता है, इवन वेन द सप्लाई इज इंटैक्ट, इंटैक्ट कहते हैं एज इट इज, जो कि तू, जिसे हम कहते हैं इंटैक्ट, इवन वेन द सप्लाई इज इंटैक्ट द प्रेशर इज टेरिबली लो, ये कह रहे हैं कि इवन वेन द सप्लाई इज इंटैक्ट, अगर सप्लाई इंटैक्ट भी होती है, रेगुलर भी होती है, तो प्रॉब्लम क्या है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा, टेरिबली, टेरिबली कहते हैं टू मच, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हल्का होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, जिससे हम पानी पानी नहीं भर पाते, टाइम काफी खर्च होता है, ऑल दिस कॉजेज, ये सारी चीजें पैदा करती हैं, क्रिएट करती हैं ग्रेट इनकन्वीनियंस, एक बहुत बड़ी दुविधा, एक बहुत बड़ी असुविधा सभी के लिए। होप, उम्मीद करता हूं द कंसर्न ऑथोरिटीज, इस संबंधित जो अधिकारीगण हैं, संबंध वर्क फॉर रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिड्रेस कर, रिड्रेस कहते हैं करेक्ट करना, दुरुस्त करना, सही करना, एंड टू मेक, टू ब्रिंग समथिंग इन ए प्रॉपर ऑर्डर, और ठीक है, मे वी एक्सपेक्ट, हम आपसे आशा करते हैं दैट द वाटर सप्लाई विल सून बी रेगुलेटेड, वाटर सप्लाई पहले की तरह प्रेशर के साथ, रेगुलेटरी के साथ आएगी और आप देंगे, यूर ट्रूली, ये आपका लेटर हो गया। इसी तरह से आपका एक नोटिस है, नोटिस भी आप याद कर लें, मैंने आपको बताया था पेज नंबर 90 पे, नोटिस जो है ये 19 नहीं बल्कि 91 पे, सॉरी 91 पे है, ये ऊपर स्कूल का नाम आता है, उसके लिए नोटिस लिखा जाता है 25 सितंबर, ये डांस कंपटीशन है, इस तरह का प्रारूप, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना कंपलसरी है, इसकी शॉर्टेज में आपके मार्क्स इफेक्ट हो सकते हैं डैमेज। अब इसमें क्या है, अवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग ए डांस कंपटीशन, हमारा स्कूल एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है 15 अक्टूबर, डेट निकल चुकी है, आप आने वाली डेट ले लीजिए, इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 10, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको देना है, प्रोग्राम का विनर्स विल गेट, जो विनर्स होंगे उनको चांस मिलेगा अपने आप अपने प्रोग्राम को पेश करने का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, जो दिसंबर में होंगे। जजेस, जो जजेस का पैनल है, जो ग्रुप है जजेस का, उसमें आपकी, जिसमें आपके प्रिंसिपल भी शामिल हैं, आपके म्यूजिक टीचर भी इंक्लूड हैं, ठीक है, ये बता दिया आपने, इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो लास्ट में आते हैं, हम अपील कर रहे हैं बच्चों से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीट वो मिल सकते हैं, नीचे लिखे हुए, नीचे जो साइन किए हुए हैं उनसे मिल सकते हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है आकांक्षा, इनसे मिल सकते हैं, किस पीरियड में मिल सकते हैं, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, किस में भी, कहाँ मिल सकते हैं, इन द म्यूजिक रूम, इस तरह से दोनों लेटर, हालांकि नोटिस मैंने पहले आपको समझा दिया था, ठीक है, आपका सिलेबस बहुत शॉर्ट है, आप इनको रट लें, इस पर मिस्टेक ना करें, फिर आपसे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका वर्क है आज का, इनको याद करें, याद करिए, प्लीज़ याद करिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।